वफाकी वज़ीरे तवानाई अवैस लगारी ने के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों लिया, कहा के इलेक्ट्रिक को अल्लाह हिदायत दे जिसकी वजह से कराची के सारिफिन को बिजली महंगी मिल रही है। आईपीपीज और दीगर असलाहत पर अमल हो तो बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं। आईपीपीज खुद नजरसानी करें वरना फॉरेंसिक ऑडिट हो सकता है। अवैस लगारी ने केई के लिए सिर्फ हिदायत की दुआ पर इक्तफा किया। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची में खिताब करते हुए अवैस लगारी ने कहा कि वफाक के इलेक्ट्रिक को अरबों रुपए सब्सिडी फराहम कर रहा है। केई को अल्लाह हिदायत दे जो सार्फीन को बिजली महंगे दामों फराहम कर रही है। More than 500 billion rupees in subsidies that we have to finance. अवैस लगारी ने कहा कि सोलर नेट मीटरिंग से सिर्फ अमीर तबका ही मुस्तफीद हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में नेट मीटरिंग खत्म हो रही है। मुल्क में जब भी इस मसले पर बात की तो शोर मचने लगा, जिसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। The contract signed with the IPPs in the past have not been efficient. I'll be very frank in saying that. The kinds of returns that they've earned, the kinds of operation and maintenance cost that they are being paid by us, they are not competitive. वफाकी वजीर ने कहा कि अगर इस्लाहाती पैकेज मुकम्मल हो जाए तो बिजली की कीमत में आइंदा 12 से 18 माह के दौरान 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती हो सकती है।